सर हमने आज दूरदर्शन के इससे सुना है कि ये दफा 370 हटा दिया और लद्दाख और जम्मू ये अलग अलग कर दिया और अपना कश्मीर अलग कर दिया। इससे हमारे को ये होता है कि अपनी तरफ से कि हमारे गांव में जो भी है करप्शन वगैरह या जो अपने स्टेट में ये कम हो जाएगी। और दूसरा हमारा ये है कि मैं बिल्कुल रंगवाड़ का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा रंगवाड़ का रहने वाला हूँ। बिल्कुल मेरे साथ मतलब फौज से थोड़ा दूर है लेकिन कुछ भी मेरा गांव के अंदर बिल्कुल शांति है, कोई पत्थरबाजी नहीं है, कोई हड़ताल नहीं है, कोई कुछ नहीं, कुछ झगड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल हम ठीक ठाक है और शांति से रह रहे हैं। और उसके बाद हमारे साथ बिल्कुल भाईचारे के साथ पेश आती है, हम फौज के साथ भाईचारे से पेश आते हैं, वो हमारे से पेश आते हैं। तो हमारे पास कुछ उनके लिए कुछ शिकवा गिला गिरावा कुछ नहीं। हमारे भाई जान से हमारे बच्चे अगर बीमार हो जाते हैं, कुछ भी होता है, तो हम फौज की मदद से वो हॉस्पिटल तक या मतलब कहीं भी उनका मतलब इलाज जो मुआवजे के लिए वो पहुंचाते हैं। और फौज और हम आपस में एक जैसे भाई भाई जैसे रह रहे हैं और कोई हमारा फौज के साथ कोई वो नाराजगी नहीं है। फौज को हमारे पर खुदा की मदद से भरोसा है और हमारे पर कोई ऐसा नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि मतलब ये जो लूटपाट हो रही थी, करप्शन हो रहा था, ये बस खत्म हो जाए। हमने सर दूरदर्शन के जरिए से यहाँ पर हमारे गांव में तो टीवी भी थोड़ा कम ही चलता है लेकिन रेडियो वेडियो पे टीवी का वो चैनल लगाकर हमने सुना है कि ये दफा 370 जो है वो खत्म कर दिया गया है। तो लेकिन अब उम्मीद तो एक हमें ये है कि कम से कम ये जो गुंडा राज है, करप्शन है, ये खत्म होगा, जो जुल्म था हमारा पे वो कम होगा, ये डेवलपमेंट होगा, अंदाजा ऐसा ही लगता है हमारा। दूसरा सर हमारे यहाँ मतलब बगल में एक फौज की एक यूनिट है तो वो कर्फ्यू भी है हालांकि, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे बीमार हो जाता है या कोई बूढ़ा बीमार हो जाता है तो वो हमारे अस्पताल तक ले जाने